पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड केवी उपकेन्द्र पालनपुर भुज सीएसआर योजना थी एम्ब्युलेंस ने मेडिकल उपकरण थी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निरुणाने आपवामां आव्या हता। तेमां नखत्राना मामलतदार कच्छ आरोग्य समिति चेरमेन अने निरुणा गामना सरपंच तथा तेमनी टीम अने सीजीएम ऑफ भुज के बी सुब्रमण्यम नखत्राना तालुकाना हेल्थ ऑफिसर एके प्रसाद तथा बधिर समाजना अग्रणीओए हाजरी आपी हती। पावर ग्रीड कॉर्पोरेशननी सीएसआर अंतर्गत जे साधन सामग्री अहीं निरोणा प्राथमिक आरोग्य केन्द्र ने आपवामां आवी छे एमां माता अने बाळकना जीवन बचाववा माटेना लाइफ सेविंग इक्विपमेंट छे। एनी साथे साथे एम्ब्युलेंस अने बीजी फोगिंग मशीन जे पब्लिक हेल्थ माटे एक्टिविटी माटे उपयोगी छे एवी खूब ज जरूरी साधन सामग्री जे छे एमणे मेडिकल ऑफिसर साथे संकलन करीने आपी छे। मोटी कंपनीओ अने सरकार छे बंने टेन्डममां साथे रही अने आ स्थानिक एरियानो विकास करवा माटेनो प्रयत्न करी रही छे। एकदम सराहनीय काम छे। आ जे इक्विपमेंट मळ्યા छे एनो खूब ज सारो उपयोग थशे आरोग्य कैम्पो करवा माटे, दर्दीना ट्रांसफर माटे, प्रसूतિઓની સેવા સુદૃઢ કરવા માટે અને બાળ આરોગ્યની સેવાઓ પણ એનાથી અહીંયા આ વિસ્તારમાં સુદૃઢ થશે। જનરલ ઓપીડી પણ જે બિનચેપી રોગો છે એને લગતી સારવારની વ્યવસ્થા આયુષ્યમાન ભારત નીચે જે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના નીચે જે થઈ રહી છે એ કામગીરીને પણ વધારે બળ મળશે અને ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં નિરોણા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર છે એ 24/7 પણ વિશેષ થઈ શકશે। એટલે એમની એ જે કામગીરી એમના દ્વારા કંપની પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન દ્વારા આ વિસ્તાર માટે જે થઈ છે એ ખૂબ જ સારી કામગીરી છે, એ બદલ એમને અભિનંદન અને આગળ પણ આવી કામગીરી કરતા રહેશે એવું એમના જે ઉચ્ચ અધિકારીશ્રીઓ છે એમણે કહ્યું। એમની સાથે જે ઇન્ટરેક્શન થઈ એ પ્રમાણે એમને આ રૂરલ એરિયામાં કામ કરવું વધારે ગમી રહ્યું છે તો એ પણ એક ખૂબ જ સરાહનીય બાબત છે। થેન્ક યુ। અત્યારે નિરોણા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સર કોઈ ડોક્ટર નથી, તબીબી અધિકારીઓની નિમણૂક રાજ્ય કક્ષાએથી 15 દિવસમાં થઈ રહી છે, કોઈ પણ પીએચસી સીએચસી તબીબ વિહોણું નહીં રહે। એ યોજના હમ લોગ પાવર ગ્રીડ મેં કરતે હૈ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી સીએસઆર બોલતે હૈ હમ લોગ। યે 2021-22 કા સાલ કે લિયે તો હર સાલ ઇસકા હોતા હમારા तो हम 21-22 के लिए हमने यहाँ से लिया इनका गांव का सबसे मतलब ज़्यादा ज़रूरत चीज़ क्या होता है उसके बारे में हमने इन लोगों से चर्चा किया मेडिकल डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि हमारा पॉलिसी कॉर्पोरेशन में दो चीज़ होता है, एक फंडिंग एलोकेशन होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो हमारा कॉर्पोरेट ने हमको दिया है सीएसआर में 2021-22 का सब्जेक्ट है वो मेडिकल एंड वाटर कंजर्वेशन इस टाइप का दिया है। तो हम लोग इसमें क्या डिमांड है विलेज में पता किया, TDHO से और मेडिकल ऑफिसर लोगों से पता किया तो हमको पता चला कि यहाँ मेडिकल हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके लिए कुछ छोटा छोटा उपकरण चाहिए था, उसका डिटेल लिया उन लोगों से। और अभी जो एम्बुलेंस हम दे रहे हैं तो इसका भी डिमांड आया, इसके लिए भी डिमांड आया। तो ये दोनों हम लोग अपना जो प्रोसीजर के हिसाब से कलेक्टर मैडम के थ्रू रिकमेंड करा के ये जाता है अप्रूवल के लिए, हमारा दिल्ली कॉर्पोरेट सेंटर तक जाता है, अप्रूव करा के हम यहाँ आज डोनेट किए हैं। बहुत हेल्प की है तो सर यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन में भी थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है तो उसके बारे में आपके क्या विचार है सर? एजुकेशन के लिए हम लोग है ना ये 2021-22 के लिए हमारा अभी हेल्थ में ही रहा है तो आगे का साल में अभी देखिए इसमें क्या हुआ है 2020-21 और 21-22 दो साल हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा इंडिया में जैसा कोरोना वायरस की वजह से। तो हमारा कंपनी का सीएसआर में जितना भी फंड एलोकेशन होगा वो पूरा मैक्सिमम हम लोग डायरेक्टली पीएम केयर्स में डोनेट किए हैं हमारा चेयरमैन की साइड से। तो उसके बाद जो भी जितना भी रीजन के लिए एलोकेशन होता है उसमें हमको ये डायरेक्शन दिया गया है कि मैक्सिमम हेल्थ सेक्टर में स्पेंड करें। तो अभी कोरोना वैसा ये सीजन ख़त्म हो रहा है तो आगे मतलब एजुकेशन और हर साल थीम चेंज होता है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, जैसा मैंने बोला वाटर कंजर्वेशन और बाकी जो कहा मतलब रोड चाहिए वो जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है गांव के अंदर का अच्छा रोड, ऐसा हर साल के लिए हमको डायरेक्शन आता है। तो 22-23 में हमको जो डायरेक्शन आएगा उस हिसाब से अगर एजुकेशन में हमारा फिट होता है तो डेफिनेटली हम लोग कलेक्टर मैडम से बात करके
उनका भी रिकमेंडेशन लेंगे और जो हमारा रूल्स के अंदर होगा हम कर देंगे पक्का।